जब दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे नफरती यति नरसिंह आनंद के बारे में, पठान मूवी को लेकर जब पत्रकारों ने इससे सवाल पूछा तो किस तरीके से ये कुरान को लेकर गलत बयानबाजी करने लगा, पठान मूवी के बारे में कम, मुसलमानों को लेकर, कुरान को लेकर, प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर ये गलत बयानबाजी करता हुआ नजर आया और किस तरीके से लगातार किस तरीके का ये बयानबाजी करता है, नफरत इसके मुंह से छलकती है, वही एक बार फिर से देखने को मिला। आपको मैं बता दूं कि कई बार आपने सुना है कि किस तरीके से ये पैगंबर मोहम्मद के बारे में ये अनाप शनाप बाती करता है, कुरान को लेकर ये अनाप शनाप बाती करता है, मुसलमानों को लेकर हमेशा नफरत फैलाने का काम करता है। एक बार फिर से जब पठान मूवी के सक्सेस को लेकर पत्रकार ने इससे सवाल पूछा तो क्या कुछ कहा है इसने, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप देखिए इस वीडियो को। जिक्र किया तो जो मूवी पठान आई है इसको लेके खूब विवाद बढ़ा, अपने देश भारत में भी बढ़ा, विदेशों में भी बढ़ा कि इसमें जो बिकिनी पहनी है जो हीरोइन है इसमें दीपिका पादुकोण जो अभिनेत्री, उन्होंने भगवा रंग क्यों पहना, उनके सारे मठों मंदिरों को तोड़ दे, उनकी सारी संपत्ति को कब्जा ले, ये कुरान सिखाती है मेरी बेटी। और जो किताब ये बातें सिखाती है मैं उस किताब को धर्म नहीं मान सकता और उस किताब के मानने वालों को मैं मानव नहीं मान सकता। इस तरीके से आप कहते हैं इस्लामिक कैंसर है, इससे देश को बचना चाहिए, हर देश को नहीं बेटा, हाँ। पूरी दुनिया को इससे बचना चाहिए, पूरी दुनिया को बचना चाहिए, हाँ। पूरी मानवता को, ह्यूमैनिटी को इससे बचना चाहिए, ये पूरी धरती का कैंसर है, धरती को इससे बचाना पड़ेगा। लेकिन सर कैसे, मतलब क्या बुराई है? देखिए बात, आपको कुरान पढ़नी पड़ेगी जी। मेरी बात को समझने के लिए पहले आपको कुरान पढ़नी पड़ेगी, हदीसें पढ़नी पड़ेंगी जो मोहम्मद के जीवन पर, मोहम्मद और मोहम्मद के खलीफाओं के जीवन पर आधारित है। वीडियो देख लिया आपने, ये वही नफरती यति नरसिंह आनंद है जिसके मुंह से हमेशा मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी करता है, कुरान को लेकर, पैगंबर मोहम्मद को लेकर हमेशा हमेशा ये टिप्पणी करता है। इससे पूछा जा रहा था पठान मूवी को लेकर, ये मुसलमानों के खिलाफ, पैगंबर के खिलाफ और उसके बाद कुरान के खिलाफ ये गलत सलत बयानबाजी करता हुआ नजर आया। आपको मैं बता दूं कि क्या आपने कभी सुना है कि कोई मुसलमान गीता को लेकर और उसके बाद जो हिंदुओं की किताब है उसको लेकर कोई बयान देता है, लेकिन आप हमेशा सुनते हुए आए कि किस तरीके से ये कुरान को लेकर बातें करता है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर ये सारी बातें करता है और सारी के सारी इसकी गलत बयानबाजी होती है, जिसके बारे में ये कुरान के बारे में उल्टा सीधा बात कहता हुआ नजर आता है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब इस वीडियो को लेकर लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि कुरान के बारे में ये गलत सलत बयानबाजी कर रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर ये गलत बयानबाजी कर रहा है, जिस तरीके से इस वीडियो में ये करता हुआ नजर आया। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि कुछ लोग बजरंग दल के पठान मूवी का बायकॉट करने गए, लेकिन वहां प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ वो लोग गलत नारे लगाने लगे, उसको लेकर भी आपने देखा कि किस तरीके की कार्रवाई हुई। अब इसको लेकर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस नफरत भरे बयानबाजी को, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।